क्या होता है और आपका किस किस तरह से नंबर सजाया जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रोमन नंबर, राउंडिंग ऑफ, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे। तो इसके बाद चलते देखते हैं सबसे पहला कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम के तहत किसी नंबर को सजाना, उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। मतलब इट इज द वे बाय विच वी रिप्रेजेंट द नंबर्स इन नॉलेज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पढ़ चुके तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या नंबर्स होते हैं। सेकंड टॉपिक आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो कि हम काउंटिंग यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर मीन्स वो नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग में जीरो से होता है। नेचुरल नंबर फाइव और बाकी सब सेम है, तो इस जगह में क्या होगा, ये होगा ओनली
ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग तो आता है इंडियन फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल में। एक नंबर है, इसमें आपका तीन तीन ग्रुप चलता है। ठीक है, तीन तीन का कॉमा लगाते हैं लोग ऐसे, मतलब पहला तीन, देन तीन, उसके बाद तीन। ये हमारा हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब ये जो है इसको हम लोग यहां पर हम लोग बोलेंगे 100,000। यहां पर लाख नहीं होगी, यहां हो जाएगा 100,000। ठीक है, इंडियन में क्या था, यहां पे हमारा लाख होता था, और इंटरनेशनल में क्या होता है, ये लाख ना होकर यहां पर 100,000 हो जाएगा। सेम ये हमारा बन जाएगा मिलियन। ये हो जाएगा 10 मिलियन और ये हो जाएगा 100 मिलियन। ऐसे ही बढ़ते जाएगा बिलियन। आगे का देखते हैं, यहां पर सपोज 6, 5, 4, ये हो गया बिलियन, ये हो जाएगा 10 बिलियन, ये हो जाएगा 100 बिलियन। ठीक है, ये फॉर्म पर रहेगा। और इसको वापस अगर लिखना हो तो इसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सपोज के नंबर लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 9876543 2 1। ठीक है, तो इसको सजाना लिखना हो और नंबर लिखना, पहला क्या था इसको पहले ग्रुप में इंक्लूड किया, हमारा तीन तीन ग्रुप आया, इस ग्रुप को हम डिनोट करेंगे 1000 से, इसको डोनेट करेंगे मिलियंस, और ये हमारा एडिशन जो 1 सेंस का चलता है वही चलेगा। इसको लिखना होगा, तो जैसे हम लोग 1 सेंस पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे इसको लिखने टाइम। ये 987 क्या बना, 987 बना ना, 987 अभी क्या नाम है मिलियन, तो अंत में मिलियन है। देन आफ्टर 654 क्या बना, 654 लिखते भाई सेम चीज, क्या है 1000 1000। और तो पता जैसा जब इंडियन लिखते कितने पैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया जो बचा हुआ 321। ठीक है, ये इस फॉर्म पे अगर यहां पर चेंजिंग करें हम लोग, सपोज फिर तो चेंज कर देखते हैं, ये नंबर सपोज ये 987, यहां पर 064021 ये नंबर है सपोज, तो इस ग्रुप क्या नाम है मिलियन है, कितना अभी भी रह जाइए या फिर यहां पर चेंज करते हैं हम लोग, चेंज 98 या फिर दो ही चीज लिखते हैं ना 97। क्या है 97 है, पहले लिखते हैं हम लोग 97। इस ग्रुप का क्या आधे ग्रुप का क्या नाम है मिलियन है, मिलियन लिखे। देन आफ्टर कितना ही 06 को मिलकर क्या बना 64 बना ना, 06 का जीरो कुछ है नहीं, 64 मतलब 64, तो 64 इस ग्रुप का क्या नाम है 1000। देन आफ्टर 021 क्या बना, 21 बना हो तो 21 इस फॉर्म पे हम लोग उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना, कैसे एक्सपेंड करना,
नंबर लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी नंबर को एक्सपेंड करना है। चलिए लिखते हैं 9876542, इस नंबर को एक्सपेंड करना है। लेकिन एक्सपेंड करने वाला सबको अलग करना हो, अरे ये 9 तरीका तो है, 9 लिखकर हम लोग क्या करेंगे, और इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, मतलब 1 21 20 नंबर्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्लस 8, यहां पे कितना 8 के बाद कितना अंक, 2 4 5, तो 5 0, देन आफ्टर 7, 7 को कितना अंक है, 4, 1 2 3 4, फिर 6, 6 के बाद 3 अंक है, 3 है, फिर 5 के बाद 2 है, 2 से उसके बाद 4 के बाद 1 0 है, जो 1 डिजिट है 3, और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, वही को वही छोड़ दो, वापस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 6 0 यहाँ पे, यहाँ पे 5 0, इसमें आपका 4 0, इसमें 3 0, 0042, ये था एक मेथड। हम लोग जरूरी नहीं कि अप्लाई करें, हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। देखिए सपोज नंबर यही है, अब ये 9 का 9 लिखे, अब 9 को कितना डिजिट है, 3 3 6 डिजिट है, तो 6 0 से गुणा करो, 6 0 लग गया, प्लस 8 पर कितना डिजिट है, 5 5 0, 6 के बाद 3 डिजिट है, सॉरी यहाँ पे कुछ रहा है, सॉरी 7 7 के बाद 4 डिजिट है, देन 6 के बाद 3, 5 के बाद 2, 4 के बाद ये, और ये सेम आया, तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग अप्लाई इसको भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अब देख चाहता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना, प्लेस वैल्यू मतलब जिस नंबर का निकाल रहे हैं उसको उसके पास वाले अंक से गुणा करना। सपोज कहा गया 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 के बाद कितना अंक, 4, तो ये इसका आंसर है। अगर कहा गया था सपोज 6 का, तो 6 का कितना 0, 1 1 अंक 1, ये था इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब आते हैं फेस वैल्यू में, नाइन का फेस वैल्यू, देख जिसको कहा जाएगा फेस वैल्यू वही आंसर हो जाता है, 9 का 9 ही जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ 6 का देखते हैं, यहां 6 का 6 ही रहा, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, जिसका कहा जाएगा उसके बाद का सारे डिजिट को काउंट करेंगे और अपना 0 या फिर मतलब 1 लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज 0 भी कर सकते हैं। ये था प्लेस वैल्यू, ये था फेस वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट कंपैरिजन करना दो नंबर के बीच में, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए सपोज 2 को कंपेयर करना है 46, कौन बड़ा कौन छोटा, सबसे पहले ये डिजिट कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट, तो जाहिर सी बात है 2 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा किससे, सिंगल वाले डिजिट से, यहाँ पे इजिली हो गया। अगर वही अगर 2 4 और 4 6 होता तो कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो क्या करते हैं हम लोग,
डिजिट टू डिजिट से मिलाते हैं। ये फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट सेक्शन करते हैं, ये टू है, ये फोर। अब टू बड़ा कि फोर बड़ा? फोर बड़ा है, तो सिंपल ये हो गया हमारा, ये हो जाता है। ठीक है, अब अगर दो ही सेम रहता सपोज 987980। अब देखिए यहां पर तो 9 है, यहां भी 9 है, 8 है, यहां भी 8 है, और ये लिखे 7 और यहां पे 0। अब ये दोनों सेम है, यहां पे 7 बड़ा है, 0 बड़ा, 7 बड़ा, 7 बड़ा से हमारा ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, बस उस प्रॉपर नंबर को जिस फॉर्म जिस सर्विस पे हो उस प्लेस नंबर को दूसरे प्लेस नंबर से मिलते चेक करेंगे, अगर पहले ही मिल जाएगा तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अब एक आता है रामनी, राउंडिंग ऑफ टू ही नियरेस्ट कहते हैं। तो राउंडिंग सपोज पहला पहला क्वेश्चन है नियरेस्ट टेंस 9864, इसका नियरेस्ट टेंस निकालना सपोज। अच्छा एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यह पूछा जाए ये 6 ये किसके करीब है, 10 के करीब है या 1 के करीब है, किन के करीब है? तो बस करीब नंबर पर ध्यान देना। ठीक है, एक और इसका रूल है, रूल देखते हैं हम लोग क्या है कि नंबर चेक करेंगे वंस प्लेस का, 0 1 2 3 4 अगर होगा और किसी में 5 6 7 8 9 होगा, इस वाले की बात कर रहे हैं वंस प्लेस का डिजिट, तो यहां पे क्या करेंगे हर हाल में पहले 0 पुट करेंगे, पुट कर लिए। ठीक है, इसमें अगर कुछ आता है कुछ नहीं करना है, जो बचेगा वही आंसर, इस पे देखते हैं। अगर ये नंबर एक और एग्जांपल के साथ लेते हैं हम लोग 9 8 6 7, ये दो डिजिट क्या किए पहले तब क्या करना हम लोग को जिस नंबर को चेक करना है उसके नीचे पर जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे इसको भी यहाँ की जीरो लगाएंगे। अब उस नंबर को चेक करेंगे वो नंबर 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, अगर 5 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे टेंस वाले नंबर पे 1 जोड़ देंगे। देखिए ये 5 से ज्यादा है, ज्यादा हो गया तो मीन्स इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 जोड़ देते हैं, इसमें क्या करेंगे ये 5 का जो स्थान है ना 7 पीस पे है तो 5 से अधिक है ये नंबर, तो इसमें एक नंबर जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये हो गया आंसर। और अगर 5 से कम रहेगा तो प्रोसेस वही है, 0 लगाएंगे फर्स्ट में, देन क्या करेंगे जो नंबर है वही नंबर उतार देंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये था नियरेस्ट चेंज का। अब इसी को अगर नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 करना पड़ेगा, सपोज 100 करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग इसको चेक करेंगे दिस वन। ठीक है, इस नंबर को चेक करेंगे, तो जब चेक करेंगे तरीका वही है, 0 लगाएंगे, बचे हुए नंबर भी 0 लगाएंगे, इसमें भी 0 इसमें भी 0। ठीक है, पहला काम करनी है जिसको चेक कर रहे हैं उसके बाद वो नंबर पर 0 लगा देंगे। अब वापस चेक करना है, वापस चेक करना है कि ये नंबर हमारा 5 से बड़ा है कि छोटा, 5 से छोटा है कि बड़ा, ये नंबर क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे किसमें उसके आगे वाले नंबर, तो 8 था अब 1 होता तो 8 और 9 और ये 9 करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इसका भी नंबर सपोज पर नियरेस्ट 100 ये है, तरीका वही है, पहले 0 लगा लिए उसके बाद चेक किए वो नंबर हमारा 5 से अधिक की कम है, तो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो क्या होगा 1 जुट जाएगा किसमें आगे वाले में, तो 9 नंबर कितना हो गया 10, अभी भी हाथ हमारा कैरी नंबर बचा हुआ है तो ये वापस 9 नंबर 10, ये हो गया इसका आंसर। इस पर आते हैं, अगर 5 से कम हो तो क्या करेंगे प्रोसेस वही है, उसमें क्या करना है कुछ नहीं, बस दो नंबर उसे उतार देना, ये हमारा 8 बचा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही नियरेस्ट 100 पीस चेक करेंगे, जब नियरेस्ट 1000 आ जाएगा तो इसको चेक करेंगे, 10000 आ जाएगा तो इसको चेक करेंगे, ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है,
जो है हम लोग इस चैप्टर में वह रोमन नंबर, रोमन नंबर देखिए इसमें क्या होता है, वन टू थ्री ये सब चीज का वन का हो गया, वन टू का, टू थ्री का, थ्री ऐसे चलता जाता है, कहां तक जाएगा ये आपका थर्टी तक सेम रहेगा। सपोज टेन बढ़ता जा रहा है, टेन का हो गया एक्स, इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व का हो गया एक्स, ऐसे तोड़ नहीं सकते, ट्वेल्व है ट्वेल्व मतलब टेन प्लस टू, टेन कितना हो गया, टेन हमारा हो गया एक्स और टू का क्या होता है, टू का वैल्यू होता है ये डबल, तो ये हो गया हमारा ट्वेल्व का वैल्यू। सपोज नाइनटीन का, तो टेन प्लस नाइन, टेन का कितना एक्स और नाइन का आई एक्स, ये हो गया इसका आंसर। थर्टी ट्वेंटी नाइन थर्टी तक सेम जाएगा, तो थर्टी का होता है टेन प्लस टेन प्लस टेन, और ऐसे कोई भी नंबर रोमन नंबर में तीन बार से बोले अधिक नहीं हो सकता, तो एक्स 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 इसका हो गया। सपोज थर्टी नाइन वही चीज, थर्टी प्लस नाइन, थर्टी का क्या था ट्रिपल एक्स, ये हमारा एक्स 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 और नाइन का आई, ये हमारा थर्टी। अब आता है फोर्टी, देखिए फोर्टी क्या होगा, कभी भी एक बार कहें कि वो तीन बार से अधिक नहीं कर सकते, वो ये चार बार, ये रॉन्ग हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे फिफ्टी माइनस टेन, ठीक है। और कभी भी जो होता है वो हमारा स्मॉलर वैल्यू होता है वो लेफ्ट के बगल में नहीं लिखते हैं, तो स्मॉलर वैल्यू क्या है टेन है, टेन का क्या होता है एक्स और फिफ्टी का एल, ये हमारा हो गया एक्स एल, फिफ्टी का एल, ऐसे 67 की 80 का सेम रहेगा, 89 का सेम रहेगा, 90 का 100 माइनस 10, 100 का होता है C, और जो कि घटाना है तो छोटे वाले को पढ़ लीजिए कि 10 का होता है X और 100 का होता है C, तो ये हो गया XC, ठीक है XC। उसके बाद ये सेम जाएगा कहां तक, 300 का सेम जाएगा, 300 मतलब 100 100 और 100 मतलब C, इसका सी और इसका सी, देखो सी, तो सपोज देखो इसका कितना हो गया 300 390 प्लस 9, तो 300 कितना होता है ट्रिपल सी, और 90 का एक्स सी और 9 का आई, ये हमारा नॉर्मल नंबर इसका, ठीक है।